नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत कोचर और आज हम बात करेंगे कि हम घर पे बैठ कर के जो बाज़ार में प्रोटीन पाउडर के डब्बे बिकते हैं, प्रोटीन पाउडर बिकता है, उसकी रिप्लेसमेंट कैसे बना सकते हैं, या फिर उस प्रोटीन पाउडर को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़े, बहुत महंगा पड़ता है, वो प्रोटीन पाउडर नहीं ख़रीदना पड़े और उसकी जगह हमें घर में ही उतनी ही कैलोरीज में प्रोटीन मिल जाए उतना ही। क्योंकि प्रोटीन पाउडर की सबसे खास बात यह है कि वो कम कैलोरीज में प्रोटीन दे देता है। कहने का मतलब है सिर्फ प्रोटीन की मेन कैलोरी होती है, क्योंकि वो मेन प्रोटीन ही होता है उसमें। तो प्रोटीन तो और भी बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन उनके साथ में कार्बोहाइड्रेट और फैट भी आ जाता है, तो बहुत सारी कैलोरीज हो जाती है। प्रोटीन पाउडर की खास बात यह है कि उसमें सिर्फ मेन प्रोटीन होता है, तो उसमें कम सिर्फ प्रोटीन की कैलोरी होती है, तो कम कैलोरीज में प्रोटीन मिल जाता है। तो हमें घर पर ऐसा करना है। अच्छा, तो हम ऐसा चाह रहे हैं कि प्रोटीन पाउडर के जो एक स्कूप में प्रोटीन है वैसा हम घर पे बना लें। तो मान लेते हैं आप एक वे प्रोटीन का डब्बा लाए, उसका एक स्कूप जो एक आमतौर पे बाज़ार में आता है उसका एक मैंने उदाहरण ले रखा है। एक प्रोटीन का स्कूप होता है, मान लो 33 ग्राम का आपका स्कूप था, तो आपका स्कूप जो है मान लो 33 ग्राम का है वो, ठीक है। 25 ग्राम उसमें प्रोटीन है, 1 ग्राम फैट है और 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट है। ये आमतौर पे जो नंबर होता है वही नंबर लिया मैंने। ये लगभग ये जो मैंने उदाहरण लिया इसमें करीब 125 कैलोरी का एक आपका एक प्रोटीन का स्कूप है, ठीक है। थोड़ा कम कार्बोहाइड्रेट वाला प्रोटीन ले लोगे तो 110 से 120, 25, 30 इस तरीके की कैलोरी में आपको ये प्रोटीन पड़ता है। अब हम इसकी जगह घर पे क्या बना करके ले लें जो हमें सस्ता भी पड़े, घर पे भी बन जाए, और पता नहीं बाज़ार में इतने नकली चीज़ें आती है, क्या पता जो प्रोटीन का डब्बा तुमने लिया वो नकली है, घर पे बनाया हुआ होगा तो पता होगा ना असली हो। हम गाय के दूध से बनाएंगे। हमें यहाँ पे असली और नकली के लिए सिर्फ इतना पता करना है कि गाय का दूध असली हो। ये हम कैसे इस चीज़ को हम पक्का करने की कोशिश कर सके कि गाय का दूध जो हम ले रहे हैं असली है, वो आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। पर गाय का दूध असली अगर मान लेते हैं तो अब जो भी होगा वो सब असली है और उसमें कोई चिंता की बात नहीं होगी कुछ खास। अब प्रोटीन गाय के दूध में करीब 33 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट करीब 50 ग्राम होते हैं, फैट करीब 33, 34, 35 ग्राम से लेकर के 45 ग्राम तक होता है। इंडियन फूड कॉम्पोजिशन टेबल का मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसके हिसाब से भारत की गाय के दूध में करीब 44-45 ग्राम है। लेकिन वो क्या है, इतना गाय के दूध में फैट तभी आता है जब गाय को चारा अच्छा मिले। आमतौर पर बाहर जो गायों को चारा मिलता है जहाँ से हम दूध लेते हैं वहाँ पे उतना अच्छा कोई उन्हें हरी घास नहीं खिलाई जाती। तो आमतौर पर जितना मेरा अंदाजा है फैट गाय के दूध में करीब 35 ग्राम ही बैठेगा, ठीक है। अब जो दूध में प्रोटीन है गाय की वो 33 ग्राम है, जिसमें से लगभग 25 ग्राम केसिन प्रोटीन होता है, 8 ग्राम वे प्रोटीन होता है। ये वे प्रोटीन वही है जिसके डब्बे तुम खरीदते हो, और केसिन प्रोटीन भी लोग बाजार में खरीदते हैं। केसिन प्रोटीन धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, धीरे धीरे पचता है, वे प्रोटीन जल्दी से पच जाता है, जल्दी पच जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि अच्छी चीज़ है, दोनों अपने आप में कुछ कुछ फायदे हैं दोनों में। अब हम देखेंगे कि हम ये प्रोटीन कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो, मैंने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें, इससे पहले वाला वीडियो जो था उसमें मैंने बताया था कि दूध में से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट को अलग अलग कैसे कर सकते हैं। उसमें मैंने बताया था दूध में से फैट करने के तीन तरीके, एक तो बिलोना जिसमें दही को मसते हैं ऊपर मक्खन आ जाता है, और एक मशीन से क्रीम निकाल लो कच्चे दूध का, और एक दूध गर्म करके मलाई आती है। देखो बिलोना आजकल लोग बहुत आलसी हो गए तो वो करते नहीं है, और वो वैसे भी दही का होता है, हमें इसमें दूध को फाड़ना आएगा तो दही को फाड़ा नहीं जा पाता, तो हमें इसमें दूध से काम लेना है, तो बिलोना इसमें नहीं हो पाएगा। फिर आती है मशीन से क्रीम निकालने वाली बात, पर हर कोई उसे मतलब वो महंगी होती है मशीनें, हज़ारों रुपए की आती हैं, लाख से भी ऊपर की आती है, तो हर कोई रख नहीं सकता उसे, और वो 1-2-3-4 किलो दूध के लिए ठीक भी नहीं है। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया, अगर तुम्हें देखना है तो वो जाके देख लो, काफ़ी काम का वीडियो। तो हम मलाई वाला तरीका काम लेंगे। अब देखो, दूध गर्म किया, दूध गर्म करने के बाद में हम क्या है, दूध पे मलाई लानी है हमें। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मलाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फैट दूध से निकल जाए, हम दूध से वो फैट निकालेंगे पहले। तो ज़्यादा से ज़्यादा मलाई कैसे आएगी, मलाई का क्या है कि मलाई को जितनी ज़्यादा जगह पे दूध को तुम ठंडा करने के लिए रखोगे, जितनी ज़्यादा जगह पे तुम दूध को ठारोगे, मतलब ठंडा करने के लिए रखोगे,
और उसे ढंग से हवा लगती रहेगी। जैसे मान लो तुमने किसी खुली खिड़की के पास में रख दिया जहाँ हवा चल रही है, या ऐसी जगह पर रख दिया जहाँ पे पंखा चल रहा है। जैसे तुमने शाम को दूध गर्म किया, रात को तुमने उस दूध को एक ऐसी जगह रख दिया जहाँ पे पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, कूलर चल रहा है, उसको हवा मिल रही है, ठीक है। और एक ऐसी चीज़ में रखा जिसमें ज़्यादा जगह घेर रहा है दूध। तो जैसे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, जैसे ये एक परात है, इसमें मतलब घर में कई काम होते हैं, तो जैसे मैंने इसी से करके देखा था और मैं इसी से तुम्हें बताऊंगा। जैसे ये ज़्यादा जगह ले रही है, यही तुम इसकी जगह ये वाला काम लोगे तो कितनी कम जगह ले रही है। सरफेस एरिया अगर देखोगे ना तो इतनी जगह ले रही है और एक परात ज़्यादा जगह ले रही है। तो मैंने 1 लीटर दूध लिया, तुम भी यही कर सकते हो। उस दूध को तुमने गर्म कर लिया, गर्म तो तुम चाहे इसमें कर लो किसी में, मतलब गर्म तो तुम पीतल के बर्तन में कर लो। फिर तुमने क्या इसको रात को परात में डाल दिया, 1 लीटर दूध को, वो ज़्यादा जगह लेगा। और फिर तुमने इसे पंखे के नीचे या कूलर के पास में रख दिया जहाँ पे इसको हवा लग रही है, खिड़की के पास में जहाँ पे भी इसको हवा लगे। सुबह जब ठंडा होएगा ना तो इसके ऊपर मलाई आएगी। हमने ज़्यादा जगह वाली, मतलब हमने परात इसलिए ली है क्योंकि इसमें ज़्यादा जगह है तो मलाई ज़्यादा आएगी। अगर यही तुम इतना ही दूध इतनी पतली जगह वाली जगह पर रखते तो उसमें मलाई कम आती। ये मेरे को किसी ने बताया और ऐसा है भी, मैंने करके देखा ऐसा। यही दूध अगर मैं रात को उतना का उतना दूध इसमें रखूँगा तो इसमें मलाई कम आएगी। मैंने 1 लीटर दूध को रात को रखा इसमें तो 55 ग्राम मलाई आई, इसमें रखा तो 43 ग्राम मलाई आई। एक जैसा दूध, 1 लीटर दूध नापा हुआ तोला हुआ, इसमें 55 ग्राम मलाई, इसमें 43 ग्राम। मतलब ज़्यादा जगह में दूध को उठा, ठीक ये बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये नहीं है तुम ज़मीन पे दूध को फैला दो कि देखो कितनी ज़्यादा जगह में मैंने दूध को ठार दिया, सुबह बहुत मलाई आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तुम बहुत ज़्यादा जगह में बिखेर दोगे अगर तो वो मलाई फिर इतनी पतली हो जाएगी, तुम उसे उठाओगे तो वो दूध के अंदर ही गिर जाएगी, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके का बड़ा बर्तन लो, उसमें मलाई, उसमें दूध को ठारो, सुबह उसकी मलाई उतार लो, आसानी से उतर जाएगी, ठीक है। मलाई उतर गई, एक बार उतरी 55 ग्राम मलाई उतर गई, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 लीटर दूध लिया, उसके परात में, इस जो बड़े वाला बर्तन है इसको परात बोलते हैं हम लोग राजस्थान में, बाहर क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। 55 ग्राम एक बार मलाई, फिर क्या करा, इस दूध को वापस गर्म करा सुबह और फिर वापस से इसे ठंडा होने के लिए रख दिया कोई हवा वाली जगह में। मैंने दूसरी बार में इसे इसमें रखा था, थोड़ा आलस किया मैंने, तुम चाहो तो वापस परात में रख सकते हो। दूसरी बार में इसमें 15 ग्राम मलाई आई, मैंने इसमें टोपिए में रखा था इसे, ठीक है। 15 ग्राम मलाई, कुल मिला के 70 ग्राम मलाई आई। अगर परात में रखता तो थोड़ी सी ज़्यादा आ जाती, 15 की 17-18 ग्राम आ जाती शायद, क्योंकि एक बार की काफ़ी मलाई निकल चुकी है। कुल मिला करके 70 ग्राम मलाई आई, ठीक है। अगर अब जैसे तुम्हारे पास में दूध है, मैं गाय के दूध की बात कर रहा हूँ, अभी भैंस के दूध के लिए अलग नंबर होंगे क्योंकि भैंस के दूध में फैट भी ज़्यादा होता है। तो तुम्हारे पास में अगर जैसे अगर तुम्हें लग रहा है कि और मलाई निकल सकती है, दो बार करने के बाद और मलाई निकल सकती है, तुम वही चीज़, जैसे मैंने अगले दिन सुबह इसमें ठारा दूध को ठंडा किया तो मैंने शाम को मलाई निकाली, तुम चाहो तो ऐसा एक दो बार और कर सकते हो अपने दूध के साथ में, गर्म करा फिर उसे ठंडा किया फिर अगले दिन मलाई निकाली, पर बहुत टाइम लगता है इसमें। मतलब कल का दूध आज शाम तक मलाई निकाल रहा हूँ मैं, तो ऐसे बहुत टाइम लगता है, तो मैंने 2 ही बार किया ऐसा और उसमें काफ़ी हद तक मलाई निकल गई, ठीक है। 1-2 ग्राम फैट की मेरे को खास चिंता नहीं, ठीक है। मशीन से जब क्रीम निकाला जाता है ना तो 1 लीटर दूध में करीब 60-70 ग्राम के आसपास एक क्रीम निकलता है, तो तुम समझ लो तुमने मशीन से जो होता है वो तुमने 2 बार मलाई निकाल करके बड़े बर्तन में, जैसा मैंने वो बड़ी परात दिखाई, ऐसे बर्तन में अगर तुम करोगे तो तुमने 2 बार में लगभग जितना मशीन से क्रीम निकले उतनी तुमने मलाई निकाल ली, ठीक है। 2 ग्राम क्रीम में लगभग 1 ग्राम फैट बनता है, 2 ग्राम क्रीम में या 2 ग्राम मलाई में लगभग 1 ग्राम घी निकलेगा, लगभग थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है, लगभग 1 ग्राम निकलेगा। तो हम 2 ग्राम क्रीम या 2 ग्राम मलाई का 1 ग्राम फैट मानेंगे, उसमें 1 ग्राम घी बनता है लगभग। तो अगर हमारे पास 70 ग्राम मलाई है तो मान लेते 35 ग्राम फैट हमने निकाल लिया उस दूध से, ठीक है। अब मैंने शुरू में माना था कि लगभग 35 ग्राम ही फैट है, तो इस हिसाब से लगभग सारा फैट निकाल लिया मैंने। अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास जो दूध आ रहा है उसमें ज़्यादा फैट है, हो सकता है 45 ग्राम फैट हो तुम्हारा भी, 10 ग्राम उसमें पड़ा है, तो तुम क्या करो उस दूध के साथ में एक बार 3-4 राउंड करके देख लो इस पूरी चीज़ के। अगर तुम्हारे सही में 2-4-5-10 ग्राम फैट और निकल रहा है तो वो निकाल लो, नहीं तो मेरे ख्याल से आम गायों के दूध में 35 ग्राम के आसपास ही मिलता है,
क्योंकि गाय को कोई बहुत तगड़ा चारा खाने को नहीं मिलता है। ठीक है, अब क्या करा, ये जो दूध आ गया हमारे पास, ये दूध है हमारे पास जिसमें हमने हमारे हिसाब से हमने लगभग सारी मलाई निकाल ली, हो सकते हैं इसमें 37-38 ग्राम हमने लगभग सारी निकाल ली। अब इस दूध को क्या करें, हम फाड़ेंगे। दूध को फाड़ने के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बात करी थी। दूध को फाड़ने के लिए उसमें नींबू निचोड़ा, उसको थोड़ा गर्म दूध में नींबू निचोड़ा खिलाया उसको थोड़ा सा, फिर उसमें या तो अपने आप फट गया, उसको थोड़ा गर्म किया तो फिर फट गया, उसमें गर्म दूध में दही डाल कर थोड़ी देर ला कर रख दिया और फिर उसको गर्म किया फट गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था डिटेल में, वहाँ दूध को फाड़ा, फाड़ा तो उसका पानी अलग हो गया, उसका सफ़ेद वाला हिस्सा अलग हो गया जो कि छीना कहते हैं, जिसको छीना कहते हैं, पनीर कहते हैं। वो जो छीना है ना, वो हमारा वो प्रोटीन है जो कि हमें एक प्रोटीन के स्कूप से मिलता है। ये जो छीना होगा ना, इसमें लगभग 25 ग्राम प्रोटीन होगा, ये केसीन प्रोटीन होगा। आमतौर पे जो तुम प्रोटीन पाउडर के डब्बे खरीदते हो वे प्रोटीन के होते हैं, वे प्रोटीन जल्दी पचता है, केसीन प्रोटीन धीरे 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 पच करके खून में जाता है। तो क्या है कि जब तुम दो स्कूप 50 ग्राम वे प्रोटीन एक साथ ले लेते हो ना, तो क्या एकदम से तुम्हारे ब्लड में, एकदम से तुम्हारे खून में प्रोटीन ज़्यादा आ जाना भी उतना ठीक नहीं माना जाता। तो इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं है कि तुम उसकी जगह केसीन प्रोटीन ले लो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। आमतौर पर वे प्रोटीन को ज़्यादा अच्छा इसलिए बताया जाता है कि कसरत करते ही एकदम से कुछ हमारे को प्रोटीन की ज़रूरत है उसके लिए लिया, पर ऐसी कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम केसीन प्रोटीन ले सकते हो। ठीक है, कम से कम तुम्हारी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी जितनी तुम्हारी पूरे दिन की तुम्हें करनी है। ठीक है, प्रोटीन की जितनी ज़रूरत है। तो हमने क्या करा, दूध फाड़ लिया, दूध का जो पानी वाला हिस्सा था वो अलग कर दिया, और जो हमारे पास छीना आ गया, पनीर आ गया, वो हमारे वे प्रोटीन की स्कूप की जगह हो गया 25 ग्राम। अब हम थोड़ा कैलोरी भी गणित लगा लेते हैं यहाँ पे, कि एक लीटर दूध लिया और उसमें करीब 33 ग्राम प्रोटीन था, 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट थे जो कि लैक्टोज कहते हैं हम, जैसे फैट हमने 35 ग्राम माना लगभग। प्रोटीन की कैलोरी करीब 132 हो गई, 4 ग्राम कैलोरी होती है 1 ग्राम प्रोटीन में, सब मैं पहले बता चुका हूँ, पुरानी वीडियोस देख सकते हो। कार्बोहाइड्रेट की 4 ग्राम होती है 200 कैलोरी होगी, फैट में 9 ग्राम होती है 315 कैलोरी होगी। कुल मिलाकर के हमारे लीटर दूध में इन सबको जोड़ा तो अब 647 कैलोरी आ गई। अब हमने इस दूध से सारा फैट निकाल लिया था, हम मान लेते हैं कि हमने दो बार मलाई निकाली बड़े बर्तन में भी, तब भी हमारे 1-3 ग्राम फैट रह गया होगा, मान लिया। अच्छा चलो मान लिया, तो हमने मान लिया कि 3 ग्राम फैट हमारे उस दूध में रह गया मलाई निकालने के बाद, एक बार हमने मान लिया। कार्बोहाइड्रेट लगभग सारा तुम दूध फाड़ोगे ना, तो सारा वो जो पानी है ना उसमें सारा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट लगभग सारा ही चला जाएगा, तो कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा नहीं रहेगा, मान लिया 1 ग्राम रह गया। प्रोटीन तुम्हारा लगभग 25 ग्राम आएगा, जो तुम्हारा छीना बना है ना उसमें, जो पनीर बना है उसमें तुम्हारा 25 ग्राम आएगा, तो हमने मान लिया कि, और जो तुम दूध फाड़ोगे ना, तो अगर दूध में से तुम कुछ भी फैट नहीं निकालते, दूध फाड़ते ना तो जो मलाई वाला जो फैट वाला हिस्सा है ना, वो तुम्हारे छीने के साथ में आता, पनीर के साथ में आता। तो अगर तुम्हारे दूध में तुम फैट ज़्यादा छोड़ दोगे तो वो तुम्हारे पानी के साथ नहीं जाएगा, वो तुम्हारे प्रोटीन जो तुम्हारे सफ़ेद रंग का छीना बना है ना उसके साथ में आएगा। इसलिए मैंने माना कि अगर हम 2-3 ग्राम हमारा फैट रह भी गया तो वो उस छीने में आ गया, कार्बोहाइड्रेट सारा पानी में निकल जाएगा लगभग, तो हमने मान लिया कि 1-1.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट रह गया और प्रोटीन 25 ग्राम आ गया हमारे पास में, एक केसीन प्रोटीन है, जो 8 ग्राम वे प्रोटीन था वो उस पानी में चला गया। कुल मिलाकर के कितनी कैलोरी, 25 ग्राम प्रोटीन की 100, ये 4 और 3 ग्राम में 9 कैलोरी से करा तो 27, कुल मिलाकर के 131 कैलोरी हुई जो हमारे पास में ये जो छीना बना ना, इसमें 131 कैलोरी, एक वे प्रोटीन के स्कूप में तुम्हारे पास में 125 कैलोरी होती है। वो थोड़ा सा और महंगी कंपनी का ले लोगे तो उसमें 115, 120, 110 तक हो जाएगी। इसमें भी हमने माना है कि हमने 3 ग्राम फैट छोड़ दिया, हो सकता है हमने 3 ग्राम फैट भी ना छोड़ा। 3 ग्राम फैट छोड़ने का मतलब है 6 ग्राम मलाई और छोड़ना या 6 ग्राम क्रीम और छोड़ना। तो ले दे करके दूध लिया, दूध को गर्म किया, दूध की उसको ठंडा किया ऐसे बड़े बर्तन में, उसकी मलाई निकाली, ऐसा एक बार और किया, गर्म किया, फिर से एक बार ठंडा किया, इसमें मलाई निकाली, उस दूध को फाड़ा, उसमें जो छीना बना, जो पनीर बना, वो हमारे वे प्रोटीन के स्कूप की जगह हम ले सकते हैं। और इसका मतलब ये नहीं है कि 25 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, देखो 1 लीटर दूध में 25 ग्राम प्रोटीन आ रहा है, 1 लीटर दूध अगर डंग का सही दूध लोगे तो करीब 35-40 रुपये पड़ता है वो, और गर्मियों में 50 रुपये पड़ता है, उससे भी महंगा पड़ जाता है कई बार। तो 40 रुपये में अगर हमें 25 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है तो हमें
हम अगर 4 लीटर का ले लें तो भी हमें 160 रुपए लगेंगे, हम रोज का 100 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा। देखो अति हर चीज़ की खराब है, तो मैं ही नहीं कहूँगा कि तुम 4-4 लीटर फाड़ करके दूध 100-100 ग्राम प्रोटीन ले रहे हो। 1.5 लीटर में तुम्हारे करीब 37-38-40 ग्राम प्रोटीन आता है, ठीक है। तो मैं नहीं कहूँगा कि तुम बहुत ज़्यादा ये मतलब 3-4 लीटर फड़फड़ के पी रहे हो, मेरे ख्याल से 1-1.5 लीटर ठीक है। और ये जो छेना तुम खाओगे, जो पनीर तुम खाओगे, ये छेना तुम्हारे दूध की जगह नहीं है, क्योंकि इसमें दूध के पानी वाला हिस्सा नहीं है। तो तुम सोच रहे हो कि तुम ये खा रहे हो तुम्हें दूध पीने की ज़रूरत नहीं, तो ऐसा नहीं है। तो दूध के कुछ विटामिन जो होते हैं वो दूध के पानी वाले हिस्से में होते हैं, जो कि तुमने दूध फाड़ा तो वो पानी वाले हिस्से में अलग कर दिया। तो तुम ये खा करके मत सोचना कि तुम दूध पी रहे हो, दूध तुम्हारा अलग जगह पे, दूध पीना है, छाछ पीना है, दही खाना, वो अलग जगह पे। दूध का जो पानी वाला हिस्सा है वो दूध, छाछ, दही, इनमें वो तुम्हारा अलग है। तुम ये मत सोचना कि दूध के जो भी सारे विटामिन है वो इस छेने में आ गए 1.5 लीटर के बराबर, नहीं, जो भी उसके पानी के विटामिन थे वो पानी के साथ अलग हो गए। इसमें तुम्हें कुछ कैल्शियम मिलेगा, पर तुम जैसे 3-4 लीटर फाड़ लोगे तो हो सकता है तुम, और फिर उसके अलावा दूध भी पी लोगे, दही भी खा लोगे, छाछ भी पी लोगे, ऐसे कर लोगे ना, तो तुम एक दिन में बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले लोगे, हो सकता है कैल्शियम तुम्हें नुकसान भी कर सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि तुम 3-3, 4-4, 5-5 लीटर दूध फाड़ करके सारा प्रोटीन दुनिया का यहीं से लिया जा रहा है, ऐसा मत करो। हर चीज़ की अति ख़राब होती है, ये तरीका तुम्हें पता है तो वे प्रोटीन पाउडर के डब्बे खरीदने से सस्ता तुम्हें ये पड़ेगा। रोज़ के अगर 40 रुपये 1 लीटर का भी दूध फाड़ते हो, 25 ग्राम प्रोटीन निकालते हो, तो महीने के तुम्हारे 1200 रुपये में आ रहा है, वो भी विश्वास का। अगर तुम्हारा दूध विश्वास का है तो ये विश्वास का है। तुम डब्बा खरीदोगे उसमें क्या, किसने क्या मिला है कुछ पता नहीं ढंग से, और फिर डब्बा तुम्हें पड़ेगा भी 3-3.5 हज़ार का डब्बा पड़ेगा तुम्हें। जो दूध फाड़ने के बाद जो पानी बचता है जिसके अंदर वे प्रोटीन और लैक्टोज है, उसको तुम किसी और को दे सकते हो पीने के लिए, या फिर उसको तुम जैसे घर में आटा गूंथते हो तो उसमें काम ले सकते हो। हमने ये सारा इसलिए किया था ताकि हम वो जो कार्बोहाइड्रेट और फैट की कैलोरीज है जो दूध के साथ आ रही है उनसे बच सकें, हमने ये सब कुछ इसलिए किया था। तो वो अगर पानी तुम अलग से पी लोगे तो वो कार्बोहाइड्रेट की कैलोरीज तो तुम्हारे पास आ जाएगी, वो 8 ग्राम वे प्रोटीन भी आएगा पर साथ में कार्बोहाइड्रेट की 200 कैलोरीज भी आ जाएगी। तो उससे बचना है तो तुम्हें इस पानी को किसी और को देना होगा, खुद नहीं पीना एक तरीके से। तो ये था, घर बैठे बैठे तुम ये कोई से भी प्रोटीन पाउडर के लिए खुद को एक मतलब उसकी जगह कुछ सस्ता और विश्वसनीय रास्ता है तुम्हारे पास, ये कर सकते हो। मेरे ख्याल से तुम्हें इंटरनेट पे ये चीज़ कोई और बताने वाला शायद ना मिले, कम से कम इस तरीके से बताने वाला तो शायद ना मिले। तो अगर तुम्हें ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, जो भी ये शाकाहारी लोग हैं जो प्रोटीन के लिए काफ़ी परेशान होते हैं, उनके साथ भी बांट सकते हो। जो बाकी लोग हैं मांस अंडे वगैरह खाते हैं उनके साथ बांट सकते हो, ताकि वो मांस अंडे वगैरह छोड़ करके ये काम ले सकें, जीवों की जान बच सके, मुर्गी और अंडों की जाने बच सके। तो तुम लोगों के साथ ये बांट सकते हो, लोगों का भला कर सकते हो और जीवों का भला कर सकते हो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो। मैं तुमसे अगले वीडियो में मिलूंगा।